नमस्कार साथियों, इस समय अन्वेषकों से संबंधित एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल एवं प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, आप देख पा रहे हैं, इन्होंने मीटिंग की है और समुदाय शिक्षक को की समस्याओं को लेकर वार्ता हुई है। अनुदेशक शिक्षा मित्रों की विशेष वार्ता इन्होंने की है, साथ ही शिक्षक भर्ती के बारे में भी वार्ता हुई है। ये एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है, ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम से समाचार आ रहा है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको अब तक की कई बड़ी अपडेट दिखाने जा रहे हैं। क्या है आज की मुख्य अपडेट्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में शिक्षा विभाग समाचार के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हम हर अपडेट से आपको रूबरू कराते रहें। तो सम्मानित साथियों, चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। साथियों, कल लखनऊ में एक बड़ी मीटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, माननीय श्री स्वतंत्र देव प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने शिक्षा विभाग की व्यवस्था को लेकर मीटिंग की है। ये पोस्ट है सत्यम दुबे जी की। उन्होंने इस मीटिंग की सूचना ट्विटर पर साझा की है और लिखा है, जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान किया जाएगा। साथियों, इस पावन नवरात्र में मैं प्रार्थना करता हूँ माता रानी से कि हमारे अंधेश्वर शिक्षा मित्रों की सभी समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण वो करें। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष शशांक मिश्रा अनुदेशक संघ से हैं और वो महाराज जी से, महंत जी से मिले हैं अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम के संबंध में। उन्होंने सूचना दी है कि हम अयोध्या पहुँच रहे हैं। इसके साथ ही अन्य संगठन भी विचार बना रहे हैं कि इस महायज्ञ कार्यक्रम में अयोध्या धाम पधारा जाए और अपनी समस्याओं को भी वहाँ पर रखा जाए और ईश्वर से प्रार्थना की जाए कि हमारी समस्याएं भी जल्द से जल्द शिक्षा मित्रों के साथ ही उसी समय पूरी हों, उनका हल निकले। और आप जैसा कि देख भी पा रहे हैं, और इन्होंने एक पोस्ट भी की है संग मिश्रा जी ने, जो कि अनुदेशक प्रदेश अध्यक्ष, मैं आपको पढ़ के बताना चाहूँगा। अनुदेशक शिक्षक परेशान ना हों, समस्याओं का समाधान होगा, वक्त आ गया है, नकारात्मक मत सोचें, संघर्ष जारी है। अयोध्या में महायज्ञ का कार्यक्रम है। महंत श्री राजूदास जी के नेतृत्व, महंत जी की अनुमति एक दो दिन में जैसे ही होगी हम सभी अयोध्या में पहुँच कर कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। साथियों, ये पोस्ट आई है शशांक मिश्रा प्रदेश अध्यक्ष, जल्दी की पोस्ट है, ये एक दिन पहले की पोस्ट है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम लोग नकारात्मक ना सोचें। साथ ही मैं भी अपनी वीडियो में आपको हमेशा मोटिवेट करता रहता हूँ कि किसी भी हालत में हमको नकारात्मक नहीं सोचना है। किसी भी पार्टी विशेष के लिए हमें अपशब्द या अभद्र व्यवहार या अभद्र टिप्पणी नहीं करनी है, अपना काम करते रहना है, क्योंकि समय आ चुका है हमारे बदलने का, हमारे भविष्य को बदलने का। और इसका एक कारण ये भी है कि चुनाव नज़दीक है, सरकार हर तरह से अपना प्रयास करेगी कि उसका वोट बैंक पर असर ना पड़े, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमको समाचार मिलेगा और जल्द मिलेगा। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये सत्यम दुबे श्री राजूदास जी महाराज संस्था के माध्यम से आया है। प्रदेश के सभी सम्मानित शिक्षा मित्रों से आह्वान है कि अयोध्या की धरती पर आपके उज्जवल भविष्य के लिए जो महायज्ञ राष्ट्रीय स्तर पर होने जा रहा है, उसकी तैयारी में
आपका सहयोग अति आवश्यक है, समय बहुत कम है। यह यज्ञ आपके लिए आखिरी और निर्णायक होने जा रहा है, जहां आपको सफलता मिलना तय है। साथियों, ये पोस्ट आई है सत्यम द्विवेदी जी की, और आगे एक और पोस्ट है। क्या है वो पोस्ट, हम आपको पढ़कर बताना चाहेंगे। ट्विटर के माध्यम से ये सारी पोस्टें आप देख पा रहे हैं। एक और पोस्ट अभी हाल की ताज़ा पोस्ट है सत्यम द्विवेदी, ये ट्विटर के माध्यम से केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, यूपी बीजेपी प्रवक्ता श्री स्वतंत्र देव जी और राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी के बीच यूपी के शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा मंत्री की समस्या पर चर्चा हुई है। बहुत जल्द आदरणीय श्री राजदास महाराज के नेतृत्व में शिक्षा मित्र अंधेशों का कल्याण सरकार करेगी। साथियों, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, मीडिया आयोग ने इसकी सूचना दी है सत्यम दुबे जी ने। साथियों, इस समय नवरात्र के पावन दिन चल रहे हैं, और इन नवरात्र में माता रानी से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे शिक्षा मित्र और निदेशक भाई बहनों के भविष्य को वो उज्ज्वल बनाएं, और हमारी समस्त मांगों को जल्द से जल्द पूरा करवाने की अनुकंपा करें। और जैसा कि आप देख भी पा रहे हो कि लगातार बीजेपी के जितने भी महारथी हैं वो मीटिंग कर रहे हैं, अपना चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, तो सभी की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वो लगातार निर्णय ले रहे हैं, जिसमें शिक्षा मित्र निदेशकों का निर्णय भी जल्दी लिया जाएगा। साथियों, प्रयास सफल होगा और उसके लिए लगातार हम लोग प्रयासरत भी हैं, और हमारे जितने भी चाहने वाले हैं, चाहे वो राजदास महाराज जी हों या अन्य महानुभाव हों, सभी लोग लगे हुए हैं, सूचना भी दे रहे हैं लगातार ट्विटर अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से, कि हमारी समस्याओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा, उनका समाधान किया जाएगा। पूरी सरकार माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए हर वो कार्य करने को तैयार हैं जो कि वोट बैंक को बढ़ाएगा, चाहे वो शिक्षा मित्र मामला हो या अनुदेशकों का मामला या अन्य संविदा कर्मियों का। वो लोग नई से नई योजनाएं और सभी की समस्याओं को का समाधान करने के लिए प्रयासरत हैं। उसके साथ ही हमारा संघर्ष जारी है, हमारे अनुदेशक भाई बहनों का संघर्ष लगातार जारी है, कोर्ट में मामला चल रहा है। विजय हमको ज़रूर मिलेगी, बस हमें इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो अपने आप को संयमित रखने की और अपनी सेवा और काम पर ध्यान देने की, बिना किसी पार्टी विशेष या सरकार की टिप्पणी किए बगैर। तो साथियों, आज के समाचार में आपने एक साथ कई समाचारों को देखा। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।